जय हो श्री कृष्ण भगवान की। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी कहते हैं, हजारों मनुष्य में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे प्रायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार से भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ही महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया गया है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा परलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत मुझ में सूत्र के मणियों के दृश्य मुझ में गूंथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण भेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें भगवद गीता जी का पाठ जरूर सुनाएं और अपने बच्चों से जरूर भगवद जी का पाठ करवाएं। गीता जी का ज्ञान सभी सुखों को देने वाला है, सबको बुद्धि देने वाला है, बच्चों को शांति देगा और बड़ों को जो बीमार है, जो लाचार है, उनको भी लाभ होगा। और गीता जी का पाठ हर रोज़ हमें करना चाहिए, इससे घर में सुख शांति आती है और क्लेशों से दूर करती है भगवद गीता जी। जय हो श्री कृष्ण भगवान। जय हो श्री कृष्ण।